अनुग्रह भरे इस अच्छी सुबह में प्रभु के नाम को महिमा देते हुए नहमिय्याह की किताब दूसरा अध्याय चौथा और पांचवा वचन पढ़कर आपके सामने आत्मिक बातों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को बाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को बेच ताकि मैं उसे बनाऊं। इस पढ़े हुए वचन को आधार मानकर प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। राजा ने जब नहमिय्याह से तेरी याचिका क्या है पूछा तो क्षण भर में अपनी ज़रूरतों को राजा के सामने रख सकता था, परंतु यहाँ पर कितने सुंदर रीति से वचन लेखित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने तेरी ज़रूरत क्या है पूछा तो उन्होंने प्रार्थना करने के बाद में राजा को अपनी ज़रूरतों को बताया। प्रार्थना कहीं पर भी किसी भी रीति से कभी भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब प्रार्थना की मान्यता कम करना नहीं है। हम सोच सकते हैं कभी भी कहीं भी कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो जब मर्जी में आए हम प्रार्थना करें, यह नहीं है प्रार्थना। हमें प्रार्थना को प्रथम स्थान देना है। प्रार्थना को अधिक मान्यता दो। इस वचन से पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। छोटी बड़ी हर एक बातों को आरंभ करने से पहले नहमिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था। अर्थशत्र राजा की बातों का जवाब देने से पहले सभी राजाओं के राजा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना किया। नहमिय्याह ने प्रार्थना किया, इसके बारे में नहमिय्याह की पुस्तक के विभिन्न जगहों में बताया गया है। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में भी हम देख सकते हैं नहमिय्याह ने प्रार्थना किया। इसका प्रयोग लैटिन शब्द में जो अर्थ होता है प्रार्थना के साथ कार्य करना है। प्रिय लोगों, हमारी जीवन शैली हमेशा एक ही हो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रार्थना ही करते रहे यह भी नहीं होना है। प्रार्थना के साथ कार्य भी करें, तभी हम कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर नहमिय्याह की जीवन शैली हमें सिखाती है। कारण नहमिय्याह का दायित्व साधारण नहीं था और बिल्कुल भी आसान नहीं था। नहमिय्याह दूसरों से काम करवाने वाली मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं था। इसके विपरीत वह स्वयं काम करने वाला कार्यशाली अगुवा था। मैं प्रार्थना करूँगा, तुम लोग कार्य करो, इस विचार से नहीं। हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग कार्य करें, इस विचार से सहमति रखने वाला व्यक्ति था नहमिय्याह। इन बातों को प्रकट करने वाली बातें हम नहमिय्याह की पुस्तक चौथे अध्याय 23वें वचन में पढ़ते हैं। और ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पैरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते थे। इसी तरह यर्मिया नबी की पुस्तक 48वें अध्याय 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। प्रिय लोगों, हम प्रार्थना करें, कार्य करें, अपने प्रार्थना जीवन को प्राथमिकता प्रदान करें। परमपिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने से हमारी प्रार्थना जीवन को प्राथमिकता देते हुए, चाहे वह छोटी बड़ी कोई बात शुरू करने से पहले आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए आपकी ओर ताकने के लिए हमारी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।